कोरोना काल गुजर गए एक साल, आखिर क्या है आपकी जेब का हाल। कोरोना और लॉकडाउन को मिलाकर देखा जाए तो हम एक साल का दौर यूं ही गुजार चुके हैं और अभी लॉकडाउन का डर बना हुआ है। कहा तो ये जा रहा था कि वैक्सीन आएगी, टीके लगेंगे और स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है। आज भी दो गज दूरी मास्क है जरूरी। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब, आप देख रहे हैं darbhangatimes.com। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन और कोरोना के एक साल के वक्त में जनता की जेब और घरेलू बजट पर क्या चोट पहुंची है, कहां लगा है चूना, किसका दाम हुआ है दूना, आज सबकी बात होगी। आसमान से गिरे खजूर पर अटके, ये कहावत पिछले एक साल के दौरान जनता पर फिट बैठती है। कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, खुद को कमरे में बंद करना पड़ा और ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसी की नौकरी गई तो किसी का बिजनेस ठप हुआ, किसी का धन बटा तो किसी का मुनाफा घटा, महंगाई बढ़ती गई और सैलरी घटती गई। अगर हम पिछले एक साल का डेटा देखें तो डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीजों में 20% की महंगाई देखने को मिलती है। साथ ही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने तो नाकों चने चबवा दिए। जब ईंधन महंगा होगा तो हर जगह धन ज्यादा लगेगा, पेट्रोल डीजल से ही तो सारी चीजें यहाँ से वहां ले जाई जाती हैं। अब कमेंट बॉक्स में ये मत पूछिएगा कि पेट्रोल डीजल से कैसे यहाँ वहां सामान ढोया जाता है, मुझे पता है आप सब समझदार हैं, समझ जाएंगे। खैर, आइए तफसील से बात करते हैं। सही बात यही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आपकी जेब को हल्का कर दिया, क्योंकि कच्चे माल से आपकी हवेली तक सामान पहुंचने तक का सफर काफी लंबा होता है, इस वजह से सामान की कीमत बढ़ जाती है। एक तरफ कच्चे तेल पर सरकारें करीब 3 गुना टैक्स वसूलती हैं, तो दूसरी ओर बढ़ी हुई महंगाई ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ा देती है, जो साल भर में 11% बढ़ी हुई है। इस लागत को वसूलने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इसका भार आप और हम पर डाल देती हैं और फिर हम लोग की रफ्तार में थोड़ा असर पड़ता है। इसका परिणाम यह हुआ कि देश की रिटेल महंगाई को मापने वाला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI फरवरी 2021 में 5.0% तक पहुंचा, जो जनवरी में 4.06% था। एक रिसर्च के मुताबिक रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे शैम्पू, साबुन, हैंड वॉश और क्रीम की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। सरकारी आंकड़ों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि पर्सनल केयर 8% तक महंगे हुए हैं। अगर हम खाने पीने के सामानों की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल भर में नॉनवेज आइटम सबसे ज्यादा महंगे हुए हैं। मांस, मछली और अंडे के दाम 11% तक बढ़े हैं। दूसरी ओर लॉकडाउन की वजह से सरसों के तेल का उपयोग बढ़ने से इसकी कीमत में करीब 21% तक का इजाफा हुआ है। इसके अलावा चाय, जिसको हम हर रोज कहते हैं हाय, यह भी महंगी हुई है। विशेषज्ञों की माने तो नई फसल आने तक इनके मूल्यों में इजाफा होता रहेगा। इन सबके अलावा एक सेक्टर ऐसा भी है जहां महंगाई घटी है, वह है सब्जियों की दुनिया। सब्जियों की कीमतों के ग्राफ पर गौर करने पर 6% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि सब्जियों के सस्ते होने से ग्राहकों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन किसानों को अपना लागत धन हासिल करने में मुश्किल हो रही है। अब देखना यह है कि कोरोना और लॉकडाउन का यह दौर खत्म होता है या फिर से दस्तक देता है। जब तक कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक जरूर याद रखें, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया।